कोरोना वायरस से जुड़ी या वैक्सीनेशन प्रक्रिया से जुड़ी 10-9 बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 में। प्रधानमंत्री मोदी जल्द करेंगे कोरोना वैक्सीन लेंगे, दूसरे फेज में पीएम और सभी मुख्यमंत्रियों को टीका लगेगा। पीएम मोदी आज वाराणसी में वैक्सीन के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे, टीका लगवाने वालों का अनुभव जानेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। आधी दुनिया को चाहिए मेड इन इंडिया वैक्सीन, 92 देशों ने भारत से संपर्क किया, सरकार से डिमांड के साथ वैक्सीन निर्माता कंपनियों को भेजा गया। देशभर में अब तक करीब 10 लाख लोगों को मिली वैक्सीन की खुराक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीसी का जानकारी दी। हरियाणा के पंचकुला में आईटीबीपी के 60 जवानों को दी गई वैक्सीन की पहली खुराक, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में अब तक 136 जवानों को दी जाती है वैक्सीन की डोज। यूपी में आज से कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा चरण, स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा टीका, प्रदेश में बनाए गए हैं करीब 1.5 करोड़ बूथ। उत्तराखंड ने मांगी 20,000 अतिरिक्त वैक्सीन, कुंभ मेला ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के लिए मांगी अतिरिक्त वैक्सीन की खुराक। अपने पड़ोसियों को मददगार पाकिस्तान को भी दे सकता है वैक्सीन, चीनी वैक्सीन ने काम नहीं किया तो टीका भेजेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना महामारी पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को डराने वाला बयान, कहा अगले महीने तक देश में मौत का आंकड़ा बढ़कर हो जाएगा 5 लाख। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।